हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, सो इस टॉपिक इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करती है या मनी क्रिएशन करती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो मनी क्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि मनी क्रिएट करना। अब यहाँ मनी क्रिएशन का मतलब ये मत समझ लेना कि प्रिंटिंग मनी। नहीं, प्रिंटिंग मनी जो है वो सिर्फ आरबीआई के कंट्रोल में है, और कोई बैंक जो है या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मनी प्रिंट नहीं कर सकता। तो दो के पास ही राइट्स होते हैं पैसे को छापने के, एक है कमर्शियल सेंट्रल बैंक, दूसरा है गवर्नमेंट, और किसी के पास ये राइट्स नहीं होता इशू करने का। तो यहाँ पर मनी क्रिएशन का मतलब है कि लोन को बढ़ाना, यानी कि लोन एंड एडवांसेस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसको कई गुना लोन जो है वो क्रिएट करना। तो क्रेडिट क्रिएट करना यानी कि उधार कई गुना क्रिएट करना ही मनी क्रिएशन कहलाता है, जो कि कमर्शियल बैंक लोन देकर करती है। ठीक है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक स्टार्ट्स एज सून एज पीपल डिपॉजिट्स मनी इन बैंक। तो जैसे ही कोई डिपॉजिटर्स जो हैं वो अपना पैसा, ये पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करती है, तो वहीं से जो मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट्स, तो जब पैसा उन्हें मिल जाता है, जब कोई जमा करता है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में या एफडी में जमा करता है, सो एज पर द सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस बैंक्स मेंटेन अ पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स विच इज लीगल रिजर्व रेशियो, इसे हम LRR भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक क्या करती है, बैंक जितना भी पैसा डिपॉजिट्स के रूप में आया उसका कुछ पार्ट जो है वो आरबीआई के कहने पर अपने पास या आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, उन्हें एक रिजर्व बनाना पड़ता है, और ये रिजर्व को छोड़कर जो बचा उसको वो लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है, एंड रिमेनिंग पोर्शन लेफ्ट आफ्टर मेंटेनिंग कैश रिजर्व इज देन लेंड बाय कमर्शियल बैंक टू जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं तीनों वर्ड्स। तो यहां पर अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मनी क्रिएशन का मतलब होता है पैसे को मल्टीप्लाई करना, क्रेडिट को मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, अब वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। अब कमर्शियल बैंक का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब कोई व्यक्ति जो है या जब कोई व्यक्ति पैसा जो है वो जमा करता है बैंक में जाकर। जब वो बैंक में पैसा जमा करता है तो टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं, और उन डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंट जो है वो कमर्शियल बैंक को एज ए कैश रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, और जो बाकी बचा पैसा है उसे वो उधार के रूप में इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से कि क्रेडिट क्रिएशन जो प्रोसेस है वो कैसे कमर्शियल बैंक जो है वो कंप्लीट करता है। तो इससे पहले हमें एक और चीज जाननी पड़ेगी, वो है डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही, पर थोड़ा सा टॉपिक है इसमें। सो डिमांड डिपॉजिट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट है प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरा है सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, एंड प्राइमरी डिपॉजिट्स मींस द सम ऑफ मनी विच इज डिपॉजिटेड बाय अकाउंट होल्डर और पब्लिक इन बैंक्स। तो जो भी पैसा हम जमा करते हैं बैंकों के पास पहले, वो प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हुआ, विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय बैंक्स टू द पीपल। तो जो बैंकों को लोन दिया जाता है वो जो डिपॉजिट्स क्रिएट हुई उन्हें हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं। अब होता ऐसा है कि जब आपने पैसा जमा किया तो वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जाके जमा होगा। ठीक है, वही पैसा कुछ अपने पास रख लिया जाएगा रिजर्व के रूप में, और जो बाकी बचा पैसा है उसे लोन के रूप में दे दिया जाएगा। तो लोन के रूप में जब देते हैं दूसरों को तो उसके हाथ में कैश ना देकर उसी बैंक में एक अकाउंट खोल दिया जाता है, और वो पैसा उसके अकाउंट में ही जमा कर दिया जाता है उसी बैंक में। तो इससे क्या होता है कि एक नया अकाउंट खुल जाता है और एक नई डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जो नई डिपॉजिट्स क्रिएट हुई हैं उन्हीं को हम
डेरिवेटिव डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें मान के चलनी पड़ेगी। पहली जो है, ऑल ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी आर राउटेड थ्रू द बैंक्स, यानी कि बैंक के जरिए ही सारी ट्रांजेक्शन जो है वो की जा रही हैं। एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज एज वन यूनिट, पूरी कमर्शियल बैंक सिस्टम को एक यूनिट माना गया है, यानी कि बैंक। द लीगल रिजर्व रेशो जो LRR है, यानी कि जो कैश रिजर्व रखना पड़ता है, ये RBI ही बताता है कि आपको कितने परसेंट रखना है। तो ये एक लीगल रिजर्व रेशो होता है, इसको हम आगे डिटेल में आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे, अभी आप ऐसे ही समझ लो। ठीक है, और फोर्थ जो ऑब्जेक्शन है वो हमने माना है कि प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो 10,000 है, यानी कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में या किसी भी जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें जमा किया है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो पहला है वो राउंड्स हैं, डिपॉजिट रिसीव्ड हैं, लोन एक्सटेंडेड है और कैश रिजर्व है। ये कैश रिजर्व का मतलब है LRR जो बैंक अपने पास रखती है या RBI के पास रखती है। ठीक है, अब देखो अगर स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट्स आएगा, जो हम प्राइमरी डिपॉजिट्स बोल रहे थे, वो 10,000 आया। अब ये 10,000 में से 20% हिस्सा जो है बैंक जो है वो LRR के रूप में कैश रिजर्व कर लेगी, और जो बाकी बचा पैसा है तो 10,000 में से 2,000 अपने पास एज अ कैश रिजर्व रख लिया, और जो बचा हुआ पैसा है 8,000 उसे लोन के लिए दे दिया। तो जो लोन का अमाउंट देते हैं तो कैश में ना देकर उसे उसके बैंक में ही ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि उसी बैंक में उसका खाता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरी डिपॉजिट क्रिएट हो गई 8,000 की, जो कि हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं, या इसे डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स 8,000 की क्रिएट हो गई। अब टोटल डिपॉजिट्स कितनी हो गई, 18,000। तो 10,000 पे तो हमने रिजर्व बना लिया, 8,000 पे हमें रिजर्व बनाना है, कितना परसेंट, 20% ही। तो 8,000 पे 20% कितना होगा, 1,600 होगा, और बाकी बचा पैसा फिर से लोन दे दिया जाएगा। फिर से एक नई डिपॉजिट क्रिएट होगी जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स ही होंगी, और इस फिर सेकेंडरी डिपॉजिट्स में से 20% पार्ट जो है वो कैश रिजर्व के रूप में रख लिया जाएगा, और बाकी बचा पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कमर्शियल बैंक का, रिजर्व रखना फिर लोन देना, रिजर्व रखना लोन देना, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, यानी कि ये वाला अमाउंट जो है कैश रिजर्व का अमाउंट जो है वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जब तक हमारा बचा हुआ अमाउंट, रेस्ट अमाउंट है, वो जीरो ना हो जाए। तो देखो ये भी आप ले सकते हो कि 8,000, 6,000, 5,000, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जो वो जीरो के क्लोज हो जाएगा, तो ये प्रोसेस वहीं तक चलता रहेगा। ठीक है, और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट होंगे वो 50,000 के होंगे, और जिसमें से 40,000 का हमने लोन दे दिया होगा किसी दूसरे को इकोनॉमी में, और 10,000 की हमारे पास स्टार्टिंग में डिपॉजिट्स आई थी। तो अब देखो ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो कितना कमाल का है कि बैंक के पास सिर्फ 10,000 ही आया, पर उसने 40,000 का लोन जो है वो दे दिया, और टोटल डिपॉजिट जो है वो 50,000 की क्रिएट कर दी उसी 10,000 के अमाउंट से। तो ये इससे पता चलता है कि कमर्शियल बैंक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, या फिर लोगों की जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ऐसे मनी क्रिएशन करके वो क्या करती है, फुलफिल करती है। ठीक है, तो अब देखो 50,000 जो है वो टोटल डिपॉजिट्स हो गया, जो मतलब डिपॉजिट्स हमें रिसीव्ड हुए, हमने क्रिएट करे, जिसमें से 40,000, 40,000 की न्यू डिपॉजिट्स हैं, और 10,000 का हमने अपने पास पैसा जो है वो रिजर्व रखा है। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट्स क्या हुए, 10,000 हुई। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में था, उसके बाद फिर ये 8,000 हुई, फिर 6,400 हुई, फिर ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट प्रोसेस तक चलता रहेगा, और इनको जो हम ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 50,000। ठीक है, सो टोटल डिपॉजिट्स कैसे है, अब देखो ये 10,000 जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट्स ही तो है, और जो 8,000 है वो क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट का 80%,
क्योंकि 20% हमने निकाल लिया था, तो बचा कितना 80%। तो क्या हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट का जो है 1 माइनस LRR है, LRR मतलब 20%, तो ये 20%, तो 1 में से 20% जाएगा तो 80% बचेगा, और 80% 10,000 का 8,000 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ही 6,400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर आने वाले अमाउंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये इनफाइनाइट प्रोसेस तक चलता रहेगा। तो जो टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हुई हैं वो पीडी हैं, पीडी 1 माइनस LRR है, प्राइमरी डिपॉजिट 1 माइनस LRR का होल स्क्वायर और क्यूब, ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज क्रिएट हुई है ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ठीक है, जीपी की है, क्योंकि हमें पता है कि जीपी की सीरीज कैसे होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, और ए आर फोर, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमें पता है कि अगर कोई जीपी सीरीज है और ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा रही है तो इसका सम कैसे होगा, ए अपॉन में 1 माइनस आर। यहाँ ए क्या होता है, ए जो होता है वो पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, और आर जो होता है वो कॉमन रेशो होता है। तो हमारे वाले इक्वेशन में प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो ए है, और जो आर है कॉमन रेशो जो है वो 1 माइनस LRR है। तो ए माइनस अपॉन में LRR में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर निकल कर आएगा टोटल डिपॉजिट्स का वो आएगा 1 अपॉन में LRR इंटू में प्राइमरी डिपॉजिट। और ये फार्मूला बन गया हमारा कि कमर्शियल बैंक कितना अमाउंट जो है वो इकोनॉमी में मनी क्रिएट करेगी, ठीक है। तो 1 अपॉन में LRR इंटू में PD, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट 1000 आ रही है और LRR 20% है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं 1000 की प्राइमरी डिपॉजिट आई और 10% का LRR है, तो प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है, 1000 है, और LRR कितना है, 10% है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स निकल कर आएगा वो होगा 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 अगर कोई व्यक्ति जमा करता है और 10% LRR है, तो 10,000 तक मनी क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक कर सकती है, ठीक है। जहां पर 1 अपॉन में LRR जो है, जिसे हम RR भी कहते हैं, इज ए क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन में RR है इसे हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ये इतना पार्ट। इट इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स, ठीक है। और ये LRR का क्या होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड होता है LRR से, लीगल रिजर्व रेशो से, ठीक है। तो आई होप आपको कमर्शियल बैंक का जो प्रोसेस है मनी क्रिएशन का वो समझ में आया होगा, और ये इसके जो फॉर्मूले डेरिवेशन है, और ये जो है ये टेबल है, ठीक है। तो आपको ये टेबल और जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।